हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज जो है नवरात्र का आठवां दिन है और नवरात्र के आठवें दिन हम लोग माँ महागौरी जी की आरती और पूजा करते हैं। गाइस, प्राचीन समय में जब देवी सती जी का पुनर्जन्म हुआ तो उन्होंने पर्वत राज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म दिया, जिसमें उनका नाम पार्वती था। जब वो बड़े हुए तो उन्हें नारद जी ने कहा कि पिछले जन्म में जो थे भगवान शिव शंकर जी आपके पति थे, अगर आप इस जन्म में भी उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहते हैं तो आपको उनकी एक कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद महापार्वती जी भगवान शिव शंकर जी की पूजा करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने 1000 साल तक वहाँ पे भगवान शिव शंकर जी की तपस्या की और वहाँ पे सिर्फ कंडमूल खा के ही उन्होंने गुजारा किया। उसके बाद उन्होंने 1000 साल तक कुछ भी नहीं खाया। उनकी तपस्या थी बहुत ही ज़्यादा कठोर होती जा रही है। उनकी जो त्वचा थी बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी थी, धूल मिट्टी जो थी उनके ऊपर बिल्कुल ही जम चुकी थी, जिनकी वजह से उनका जो स्किन थी बहुत ही काली रात की तरह ब्लैक हो गई थी और वो उनकी जो शरीर था वो भी काफ़ी दुबला पतला हो गया था। इतनी कठोर तपस्या के बाद जब भगवान शिव शंकर जी वहाँ पर प्रकट हुए, उन्होंने शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर भगवान शिवशंकर जी ने अपने जटा में जो गंगा माता जी थी उन्हें निकाल के माँ पार्वती जी को उनके ऊपर डाला, जिसके बाद उनका एक श्वेत रंग जो माता गंगा जी से स्नान करने के बाद जो माँ पार्वती जी से उनका जो रंग था वो बिल्कुल ही श्वेत हो गया था, जिनके बाद उनका नाम गौरी भी पड़ा। माँ पार्वती जी के इसी स्वरूप को ही महागौरी जी का नाम दिया गया। महागौरी का अर्थ होता है, महा का मतलब होता है अत्यंत और गौरी का मतलब होता है श्वेत, मतलब अत्यंत श्वेत। मतलब माँ गंगा जी के नहाने के बाद माँ पार्वती जी बिल्कुल ही श्वेत हो गए थे, उनके कपड़े उनके आभूषण बिल्कुल ही श्वेत हो गए थे। गाइस, महागौरी जी की 4 भुजाएं हैं। उनकी एक भुजा में त्रिशूल है, उनकी एक भुजा में डमरू है, उनकी एक भुजा जो है वो अभय मुद्रा में है और उनकी एक भुजा जो है वो वर मुद्रा में है। उनकी जो सवारी है वो वृषभ है, जिसे कि बैल भी कहते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या पकड़ा है आपने? क्या ये कपूर है? क्या है कपूर? अरे क्या है कपूर? अरे क्या है? तो गाइस, फैमिली के सभी मेंबर्स आ चुके हैं, अभी हम महागौरी जी की आरती करेंगे। गाइस, महागौरी जी की आरती करने से सभी पापों का अंत होता है और इंसान की जो अंतरात्मा है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। गाइस देखिए, जो एक दिन में कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, उनकी ग्रोथ दे सकते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा माँ गौरी जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो गाइज, आज के इस महागौरी जी के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को महागौरी जी की जो पूजा है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में जय महागौरी जी की जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। चलो गाइज, आरोही को बुलाकर लाते हैं आरती के लिए। देखिए आरोही क्या कर रही है। आरोही, इसका यही लगा रहता है, बस ये फोन पे लगी रहती है हर टाइम। आरोही छोड़ दो फोन, चलो आरती करनी है। आ जाओ, क्या